रवैया का बिहेव करे। इंसान जो कुछ करे वो बिहेव यार है, इंसान को छोड़े एनिमल जो कुछ करे वो बिहेव यार है। एंड द स्टडी अबाउट द बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी, और बिहेवियर के बारे में पढ़ने को हम इथोलॉजी कहते हैं। एक बिहेवियर के दो टाइप्स है हमारे पास, एक द इनेट बिहेवियर, इनेट, और दूसरा बिहेवियर था लर्निंग बिहेवियर, लर्निंग बिहेवियर। इनेट बिहेवियर किसे कहते हैं? द टाइप ऑफ बिहेवियर विच इज प्रेजेंट इन अवर डीएनए इज कॉल्ड इनेट बिहेवियर। बिहेवियर का वो टाइप जो पैदाइशी तौर पर इंसान में एनिमल में मौजूद हो उसको इनेट बिहेवियर कहा जाता है। दसी बिहेवियर से पैदाइशी तौर पर एनिमल की मौजूदगी अख्तवीलेशी इनेट बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह बर्ड्स परिंदे माइग्रेशन करते हैं, इसको किसने बताया? किसी को, किसी ने नहीं बताया, इसके डीएनए में लिखा हुआ है। ये पैदाइशी तौर पर ऐसा परिंदे में मौजूद ये इनेट बिहेवियर है। मैं गर्म जगह पे हाथ रखता हूँ और हाथ को एकदम हटाता हूँ इधर से, ये क्या है? इनेट बिहेवियर है। छोटा बच्चा है, उसका हाथ गर्म जगह पे रखो वो एकदम अपने हाथ को खींचेगा, ये क्या है? इनेट बिहेवियर है। बच्चे को किसने समझाया कि आप इस गर्म जगह पे हाथ मत रखो ये गर्म, नुकसान होगा? उसके डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे सेल के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको हम डीएनए कहते हैं, सेल है। जारी बात, एनिमल तो सेल से बने हुए, प्लांट भी सेल से बने हुए, उस सेल के अंदर गोल दायरा जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, सेल के अंदर गोल दायरा है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस मिस्टर मॉलिक्यूल है जिसको डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इंसान के जितने कैरेक्टर है, मालूमात है, वो इस डीएनए में मौजूद है। एक आदमी है या उसका हाइट ज्यादा है, ये कैरेक्टर भी डीएनए में मौजूद है। एक आदमी उसका हाइट बहुत कम है, वो भी डीएनए में मौजूद है। एक आदमी है उसके आई कलर जो है वो ब्लैक है, डीएनए में मौजूद है। दूसरा आदमी है उसके आई कलर ग्रीन है, वो भी डीएनए में मौजूद है। एक आदमी है उसका स्किन कलर ब्लैक है, वो भी डीएनए में मौजूद है। एक आदमी उसका स्किन कलर व्हाइट है, वो भी डीएनए में मौजूद है। 25,000 से 30,000 तक जीन भी डिस्कवर हो गए डीएनए में। डीएनए के छोटे से कौन जीन कहते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी भी काम मौजूद है, काम शुरू है। 60,000 तक पहुंच गए रिसर्चर, रिसर्च डीएनए के ऊपर जा रही है। तो जितने करेक्टर ये डीएनए में मौजूद होते हैं, तो इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर जो हमारे डीएनए में मौजूद हो, जो पैदाइशी तौर पर मौजूद हो, उसको हम इनेट बिहेवियर कहते हैं। जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा गर्म जगह पर उसका हाथ रखते हुआ वो एकदम हाथ उधर से उठाता है, ये इसके इनेट बिहेवियर है, उसके डीएनए में लिखा हुआ है। अच्छा उसको भी छोड़े, स्पाइडर, स्पाइडर वेब। अभी आपको ये क्या चीज है स्पाइडर वेब? वेब से मुराद जाला, स्पाइडर मक्की का जाला। मौजूदगी इंफॉर्मेशन मालूमेंट्रेवर दे उधर उसमें वो पेशेंट भी ना अब ट्रेनिंग की या वाला मैच हुई या बस रिजल्ट सारा वहाँ ने अखबार कोर्स या हो गई युक्त डॉक्टर ने उसमें वो डॉक्टर भी ना अब वो तो रजिस्टर करने का कोर्स हो गई सेकंड ईयर पास में उनके टेस्ट हो गई अब मेडिकल का नहीं दर्ज ये बीबीएस हो गई अब डॉक्टर उस कदरी प्लान डॉक्टर देखा ना मैं इसको बता रहा हूँ ना गए जरूरी तो नहीं है कि आदमी है वो डॉक्टर उसके बच्चे भी डॉक्टर होगा वो तो वो ट्रेनिंग करेगा कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो पैदाइश तौर पर मौजूद नहीं होता हमारे डीएनए में वो हम सीखते हैं।
dacă eu căsătorul de revoluție judecă valo secal chiar de iubă bagmă drăsuri iubă motor secal chiar de iubă drăsuri unu probă de revoluție. Cuș behavior este o teia, doar am experiență că tu așa ne gânde. Pe ideea și doar baram ei mojut nu e o te. Acești behavior, doar am experiență că tu vârf cu mădărsie, energie cu mădărsie, dimagul cu mădărsie, mănăt cu mădărsie, am sigur de usco am learning behavior gânde. Iar gândi că șalare learning behavior. आपके पास एक आदमी आप डॉक्टर बनोगे तो आप मेहनत कर रहे हो पर क्यों बैठे हो अभी आप एमएससी के अंदर एग्जाम दोगे और एमसीक्यू जब डिक्लेयर में भी आएंगे इसलिए अभी आप पर बैठे हो वैसे तो नहीं बैठे तो आप मेहनत कर रहे हो या आप लर्निंग बिहेवियर कर रहे हो अगर पैदाइश तौर पर बायोलॉजी आपके दिमाग में बैठा हो तो आप मेरे सामने अभी आप बैठते साहब नहीं बैठते ये भी लर्निंग आप करोगे मेहनत करोगे हॉस्टल में रहते हो एनर्जी जाया करोगे तब आपके पास ये सीखने का अमल आएगा अभी सब एक दिन में लर्निंग बिहेवियर हो सकता है क्योंकि एक दिन में पूरा किताब पढ़ाऊँ आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये तो मैं जब डेली डे आपको पढ़ाऊँ और आप सीखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा इसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं जो बिहेवियर हम एक्सपीरियंस के थ्रू हासिल करते हैं या प्रैक्टिस के थ्रू हासिल करते हैं उसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं स्पाइडर वेब ये जो स्पाइडर जो है ना वो क्या एक जाल बना लेता है वो किसको किसने सिखाया सुमरा हस्ता जाला जोड़े इसके डीएनए में लिखा हुआ है बर्ड माइग्रेशन करते हिजरत करते किसने इसको बताया इसके डीएनए में लिखा हुआ है उसको भी छोड़े मैं आपको दूसरा बताता हूँ ये जो है जबरदस्त तरीके से जो है आपके पास ये माइग्रेशन ऑफ द फिशेस सालमन फिश ये मरीन वाटर है बच्चे देने के लिए फ्रेश वाटर में आ जाते हैं इसके बच्चे जब अंडो से निकलते वापस समंदर में चला जाते हैं किसने इसको सिखाया इसके डीएनए में सब कुछ लिखा हुआ है हनी बीस को देंगे अच्छा ये भी छोड़िए बर्ड्स ये जो इन खूबसूरत घोंसले बनाते ये क्या है नीड बिहेवियर है अच्छा बच्चे जब पैदा हो जाते हैं वो अपनी माँ का दूध जो है पीते हैं इस एक लाइन नीड बिहेवियर है किसने इसको तरीका सिखाया है नहीं सिखाया हुआ है ये बिहेवियर इसके डीएनए में मौजूद है जो बिहेवियर डीएनए में मौजूद है उसको हम नीड कहते हैं और जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू हासिल करते हैं उसको हम लर्निंग बिहेवियर कहते हैं तो जब आपके पास वॉलंटरी पार्ट इनवॉलंटरी एक्शन स्टार्ट करे इनवॉलंटरी जो आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो जो वॉलेंट्री पार्ट इनवॉलेंट्री एक्शन करे उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं एंड द पाथवे फॉलो बाय द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते हैं हमारा स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है हमें मगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा मतलब दा है ना कि उस पूरा गर्म जगह में गर्म जगह पे हाथ रख दिया अब इधर से मैसेज ज्यादा दिमाग होता का फिर दिमाग डिसीजन देता कि जगह तो गर्म है मुझे नुकसान होगा फिर वो मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज देगा इफेक्टर मसल को देगा फिर मैं हाथ उठाऊंगा इतने में तो देर हो जाएगा इतने में तो सारा जो मेरा हाथ है वो जल जाएगा ये तो इमरजेंसी का हालत है तो इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कंट्रोल करता है ताकि ये क्विक एक्शन है जल्दी परफॉर्म होता है क्योंकि अगर ये जल्दी परफॉर्म ना हुआ इसमें दिमाग भी हिस्सा लिया फिर तो हमारा जो हाथ है वो डैमेज हो जाएगा फिर तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा अगर दिमाग भी इसमें हिस्सा लेता ना मैसेज दिमाग तक जाता दिमाग डिसीजन लेता फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए मैसेज भेजता भेजता इफेक्टर को मसल को और फिर मैं हाथ विड्रॉ करता तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता फिर तो नुकसान हो जाता इसलिए नुकसान से बचने के लिए बस डायरेक्ट इसको उसमें कार्ड इसको कंट्रोल करता है ये क्विक एक्शन है ये रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एक्शन ये बहुत जल्दी परफॉर्म होता है चूंकि ये क्विक एक्शन है तो इसमें सिर्फ स्पाइनल कार्ड हिस्सा लेते हैं ब्रेन इसमें हिस्सा नहीं लेता जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है मेनी आई हैव सेड फ्यू ऑफ दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कार्ड brain is not controlling our what all is not controlling our reflex action spinal cord is responsible to control our reflex action सही है तो अगर आप इस तरह पूछे कि आप इस और टाइम पाव ना
The reflexes can roll by dash. Spinal cord, brain both evident of the spinal cord of the body. समझ में आ रहे और रिफ्लेक्स एक्शन कह दे किसी या जब इनवॉलेंट्री एक्शन जो इनवॉलेंट्री पार्ट स्टार्ट करे उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कह दे रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक एक्शन इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हो गया इनवॉलेंट्री उस चीज को कहा जाता है जो हमारे कंट्रोल में ना हो क्विक जो जल्दी हो गया आपके पास बात समझ में आ रहे कुछ चीज हमारे कंट्रोल में हो तो उसको हम वॉलेंट्री कहते हैं जैसे मैं चल रहा हूं मैं बैठ जाता हूँ मेरी मर्जी ये वॉलेंट्री है कुछ चीजें इनवॉलेंट्री होती है जो आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते जैसे मेरा मेरा दिल यहाँ पर मौजूद है स्टर्नम के नीचे मीडिया स्टेनम है इस तरह दिल मौजूद है बहत्तर टाइम इस तरह कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन की जरूरत से बिल्डिंग गई कंट्रेक्शन होगी बदन का पूरा बदन की ब्लड हो जाएगी ब्याड एस्ट्रोल ब्या ब्लड राशि ब्या स्टोल ब्या ब्लड हो जाएगी ब्याड एस्ट्रोल मेरे अभी मैं दिल को कह सकता हूँ सबर करो जरा ये दर्द को बंद करो बंद करोगे तो लकीर सीधा डायरेक्ट कब्र पहुंच जाओगे Yes. वो आपके कंट्रोल में तो नहीं है कि आप दिल को कह दोगे सबर करो धड़कन तेज करो धड़कन कम करो इस तरह देखिए तेरे तरह धड़कन सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल सिस्टोल करेगा ब्लड पंप फिर डायस्टोल चेंबर में फिर ब्लड आ जाएगा फिर सिस्टोल फिर ब्लड पंप कर देगा डायस्टोल फिर ब्लड आ जाएगा सिस्टोल ब्लड पंप कर देगा डायस्टोल फिर ब्लड आ जाएगा सही है अच्छा तो ये जो जो एक्शन हमारी मर्जी के मुताबिक ना उसको हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं सही है और जो इस तरह आपके पास ब्रीदिंग ये भी इनवॉलेंट्री है हम 16 से लेकर 20 मरतबा जो है हम ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन अंदर ले लेते कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ये क्या है आपके पास इनवॉलेंट्री प्रोसेस वॉलेंट्री तो नहीं है अच्छा आपके पास रिस्पायर डाइजेशन होगा ये क्या इनवॉलेंट्री की वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री प्रोसेस और जितने इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना वो हमारे पास मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है हैंड ब्रेन का हिस्सा है अच्छा ये चीजें मैंने आपको बता दी अभी ये सोशल बिहेवियर क्या है द बिहेवियर शोन बाय द सोशल एनिमल इज नॉट सोशल बिहेवियर सोशल एनिमल जो बिहेवियर शो करे उसको हम सोशल बिहेवियर कहते हैं अभी आपको ये सोशल एनिमल क्या है हम सारे सोशल एनिमल है अच्छा इसको छोड़े हनी बी को देखे हनी बी बेस्ट एग्जाम्पल है सोशल एनिमल का शहद की मक्खी शेर की मक्खी जिस जगह पे रहते हैं जहां से आपको शेर हासिल करते उसको कहा जाता है हाइव ये उसका घर है शेर की मक्खी में तीन किस्म के मखलूक आपको नजर आएंगे एक को कहा जाता है वर्कर्स इसे बोलने से यूज आता है दूसरा है ड्रोन्स और तीसरा है क्वीन क्वीन मलका अभी आप कहोगे ये क्या चीज है ये शेर की मक्खी है किसमें होंगे किस किस्म किस ये जो क्वीन है ये फीमेल होती है ये फीमेल के लिए निशान है गोल दायरा और नीचे हॉरिजॉन्टल साइन ये वर्कर के ये भी फीमेल है ड्रोन क्या चीज है ये मेल है लट्टू सोता विनेश ये मेल यानी वर्कर हमारे पास क्वीन फीमेल है न खजी भी फीमेल होते हैं औरत है सही है और वर्कर ये भी फीमेल होती है ड्रोन ये मर्द होते हैं मेल ये जो क्वीन है मल का या पूरे छत्ते में हाय में या एक या दो या तीन इस तरह होंगे बस ज्यादातर एक होती है मल का इस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम एक है दो तो नहीं होते ना वर्कर ये बहुत ज्यादा होते हैं फीमेल बहुत ज्यादा फीमेल होते हैं ये वर्कर और ये स्मॉल इन साइज होते हैं छोटे छोटे क्वीन या मलका ये साइज में बड़ी होती है मलका भी होती है और बड़ी भी होती है अभी क्या इसको मलका हमने क्यों कहा क्वीन इसलिए ये फर्टाइल है ये बच्चे पैदा कर सकते इस तरह घर में दो औरत है एक औरत के बच्चे 10 साल तक पैदा नहीं होते उसकी घर में इज्जत नहीं होती जिसकी औरत है उसकी होती है कि नहीं तो इस तरह क्वीन की इज्जत है क्यों इज्जत है इसके बच्चे पैदा होते ये फर्टाइल है ये बेचारे वर्कर ये काम भी ज्यादा करते इसकी कोई इज्जत भी नहीं सारा दिन ये काम करते रहते हैं वर्कर नेक्टर को भी लाते हैं फूलों तक भी चले जाते हैं चौकीदारी भी करते हैं घर की सफाई भी करते हैं हाय में तमाम काम करते लेकिन ये इज्जत क्यों नहीं है क्योंकि ये स्टेराइल है
A isto Israel e bëqe pejda nikër, se dhe shtirel se mrat, gjo bëqe pejda nakare. Kuin të fartajle, o të bëqe pejda kërsa këtë. E gjo vërkër e shtirel, o të isme bëqe pejda kërë një gjisë Allah, jetë që rmanula? Nëje. Aqa, jis malin sajtë, dhe kënë lafëgjë në mbër o të, të adat në zjada o të. A tu në zjadë karë në vërkër gëj. Në këtë rëmërë u lisa pëjim këj, që këtë rëmë këj dhe kuin, khjallëm së ti, i mëlkë këj li e jo e kanë bi tëjar kërde, vërka, uski fazët bi kërde, uska hukëm bi mante, kuin, halëki khud vërkër bëqë pëjda, nëjë kërë sakte, or të adhaz në bëjë zhjara hote, ek bat aapko me bëta dhëm, që kuin se ande pëjda hote, kja? Ande egza, qëtë qëtë ande stresit pëjda hote, अब जो ड्रोन आ जाता है कौन है ड्रोन ये जो ड्रोन ये वाहन मेल है और इसके पास होते हैं स्पाम ये ड्रोन आ गया और इसके पास है स्पाम बेशुमार स्पाम इसका ये स्पाम आ जाएगा इस एक के साथ मिलेगा फर्टिलाइज एक बन गया ये जो फर्टिलाइज है क्या इससे बच्ची निकलेगी क्या नहीं निकलेगी तो इस फर्टिलाइज एक से निकलेगा ये क्वीन इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वीन डिप्लॉयड है ये बात याद रखें टू है डिप्लॉयड है इस एक से क्वीन निकलेगा हाँ ड्रोन और वर्कर ड्रोन जो वर्कर है ना वर्कर वो भी फर्टिलाइज एक से निकलेगा आपको बताता हूँ लेकिन अगर ये एक जन एक अंडे और स्पर्म इसके साथ ना मिले फिर इन अंडों से ड्रोन बन जाता है फर्टिलाइज नहीं होते ड्रोन अनफर्टिलाइज एक से बनते जब ड्रोन अनफर्टिलाइज एक्सट्रा बनेंगे तो ये क्या होगा इम्प्लाइड ये देखिए वर्कर डिप्लाइड है और क्वीन भी डिप्लाइड है बहुत एंड पॉइंट है लेकिन ड्रोन एप्लाइड है इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस हम किसे कह दिया जब अनफर्टिलाइज एक्सट्रा अनफर्टिलाइज है अनफर्टिलाइज एक्स से आपके पास जब ऑर्गेनिज्म बने इस अमल को कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस जो और भी इस तरह ऑर्गेनिज्म है जो अनफर्टिलाइज क्यों नहीं आप बनाना पार्थिनोकार्प की हाँ ये जो बनाना बनते हैं भी पार्थिनोकार्प की मदद से बनते प्लांट का बनना फ्रूट का बनना जो है ना पार्थिनोकार्प की सीड का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमैक्सिसा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं रोटिफर्स भी है अभी मैं आपको बता दूं अनफर्टिलाइज एगा से जब ऑर्गेनिज्म बनेगा इसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज एग्स अब ये मुझे बताओ कि इसने एग दिए क्वीन ने अंडे इसने दिए और अंडों के साथ स्पर्म नहीं मिला अनफर्टिलाइज एग है इस एक्स से क्या बनेगा ड्रोन अनफर्टिलाइज एक्स से बनेगा ड्रोन और ड्रोन क्या होते हैं हैप्लॉयड होते हैं ड्रोन क्या होते हैं या हैप्लॉयड अभी अगर इस तरह हो इसी क्वीन से एग आते एग और इस एग के साथ अगर स्पर्म मिले इससे तो यह बनेंगे वर्कर मेरा आप लोगों से सवाल है कि फर्टिलाइज एक्स से क्वीन भी बनती है वर्कर क्यों क्या वजह दोनों डिप्लॉयड है डिप्लॉयड है तो वर्कर भी बच्चे क्यों पैदा नहीं कर सकते वर्कर भी डिप्लॉयड है क्वीन भी डिप्लॉयड है वर्कर भी फर्टिलाइज एक्स से बनते शर्मानुला और क्वीन भी फर्टिलाइज एक्स से बनते शुमार साइज नहीं तो ये वर्कर शुमार साइज ये क्यों बच्चे पैदा नहीं कर सकते शर्मानुला बताओ जवाब जी नहीं सर क्वीन भी शुरू में बड़े नहीं होंगे ना बाद में ऐसी साइज बढ़ेगी मैं इसका जवाब आपको बताता हूं आखिर क्यों आपके पास जो वर्कर है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते इसका रीजन ये है कि वर्कर को रॉयल फूड नहीं मिलता और ये क्वीन इतने ज्यादा जालिम है कि ये अपने बॉडी से केमिकल निकालते जिसको कहा जाता है फेरोमोन्स ये निकालती है फेरोमोन तो बदन न हो बस क्वीन
और ये फिरोमोन क्या करता है, इस वर्कर को डीजेनरेट कर लेता है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसको हम होस्टाइल इंटरेक्शन कहते हैं। तो पहले से है ना एक है फर्टिलाइज एक से वर्कर बने भी आ, लेकिन इस वर्कर को खुराक भी नहीं मिलती, रॉयल जेली फूड, रॉयल जेली जो फूड है, और जो क्वीन है वो अपने बदन से फेरोमोन सीक्रेट करते। फेरोमोन क्या चीज है, इस तरह की अशनकली है ना, अशनकली में जो कुत्ता है एक बिच है फीमेल डॉग, उसके फिर दोस्त के डॉग आ जाते क्यों, अपने आप से फेरोमोन रिलीज करते और उस फेरोमोन की वजह से आप दूसरे कुत्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते। उसके पीछे क्वाट वाले भी कुत्ता आ जाते हैं, किधर से कैसे आ गया, वो फेरोमोन रिलीज करता है। तो ये जो फेरोमोन है ना, इसको आप फेरोमोन कहते हैं। आपने देखा होगा जब पर फीमेल डॉग होती है उसके पीछे मेल डॉग आए होते भागते हैं, मेल डॉग आए होते ना, तो किधर से आ गए, वो इस तरह मेल डॉग आए होते कि आपने पहले देखा भी नहीं होता, वो डॉग दूसरे डॉगों से फीमेल डॉग के पीछे आते, तो वो फीमेल डॉग अपने से केमिकल रिलीज करते, इसको फेरोमोन्स कहा जाता है। उस फेरोमोन की मदद से जो है फिर बाकी जो कुत्ते होते हैं वो इस फीमेल डॉग के पीछे भागते आ जाते हैं। तो इसी तरह ये जो क्वीन है फेरोमोन रिलीज कर लेता है, वो फेरोमोन इस वर्कर को स्टेराइल बना लेता है, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर देता है। दूसरी बात ये क्वीन की मर्जी है, क्वीन जो है ना क्वीन कुछ अलग अलग खाने होते हैं हाई में, उसको वर्कर में वर्कर को वहां पर रख दिया और उसको रॉयल फूड भी देते, जब रॉयल फूड उसको मिल जाया तो उसका साइज फिर बड़ा हो जाता है और वो उसे क्वीन बन जाते हैं। देखिए सारे उसे क्यों जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको गप ना समझे, इस तरह आएगा आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्टाइल, ऑप्शन नंबर ए क्वीन, बी वर्कर, सी ड्रोन, डी ऑल ऑफ दिस, कौन सा फर्टाइल होगा, क्वीन क्वीन। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल, ऑप्शन नंबर ए वर्कर, ऑप्शन नंबर बी क्वीन, सी बोथ इन बिटवीन ऑफ दिस, क्वीन क्वीन फीमेल, दोनों वर्कर और क्वीन दोनों फीमेल, यस सर, ये फीमेल नहीं है जी, कौन हो, ये शीमेल नहीं है, नहीं नहीं शीमेल इसमें नहीं है, सिर्फ पैदा इस वक्त भी हो, ये सारे दोनों फीमेल दोनों बंदे, लेकिन जिसको खुराक मिले उसे क्वीन बन जाएगा, रॉयल जेली फूड, जिसको ना मिले उसे वर्कर बन जाएगा, उसका साइज छोटा रह जाएगा, रॉयल जेली फूड उसको नहीं मिलेगा, खबर ही। तो देखिए सब ये हो गया कि वर्कर ड्रोन और आपके पास जो है क्वीन, क्वीन फीमेल वर्कर फीमेल, वर्कर आपके पास क्या डिप्लॉयड है, क्वीन भी डिप्लॉयड है, ड्रोन आपके पास हैप्लॉयड है और ये मेल होते हैं, ड्रोन भी फर्टाइल होते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये हैप्लॉयड होते हैं, क्यों, ये एक्स डायरेक्ट बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बगैर, बगैर फर्टिलाइजेशन के एक्स बनते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो ड्रोन गया है ये आपके पास फर्टाइल और हैप्लॉयड होते हैं। आपने गलती नहीं करनी, अच्छा ड्रोन हैप्लॉयड है, ये एक फर्टिलाइज नहीं होता, एक के साथ स्पर्म नहीं मिलता, अनफर्टिलाइज एक्स ये ड्रोन बन जाते, अनफर्टिलाइज एक्स ड्रोन बनते। और दूसरी बात ये जब सर जी मुझे पर क्वीन के की में एक दिकाना बेदा ड्रोन वे नदी अगर सर उस पर हमने दी मेला उसे भी फीमेल से की में एक भी करना आगा भी एक बार चाहिए अगर सर स्पर्म मिला उस पर हो तो या बहुत ना क्वीन जोड़ सी या वार कर आउट कर जिस सर स्पर्म मिला उन्हें शिया या बहुत ना ड्रोन जोड़ सी और ऐसे देखो ना ऐसे क्वीन में एक पैदा किया कस्पम सर मिला उस पर हो तो मिला उस स्पर्म तरह जोड़ बसी वार कर या क्वीन क्वीन मतलब ना जुड़ी जो खुराक होता मिला उस रॉयल जेली और वार कर बालत ना हो ना जुड़ी जी जो खुराक होता ना मिले भी किया रॉयल जेली फूड होता ना मिले भी किया और पाल शुक्र था एक सर स्पर्म मिला उन्हें शिया एनिमल है अपना अपना काम है कि नहीं है, इसमें डिविजन ऑफ लेबर है कि नहीं है, काम की तकसीम है कि नहीं है, और आप उसमें कम्युनिकेशन करते कि नहीं करते,
इसलिए हम कह सकते हैं कि होनी भी क्या है आपके पास, अमीबिया सोशल एनिमल है, और ये जो बिहेवियर शो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर। बेस्ट एग्जांपल है सोशल बिहेवियर का, तो देख गया मोस्ट एनिमल एस एनिमल विच लिव इन ग्रुप, जो ग्रुप में रहते, देखिए सारे एनिमल ग्रुप में रह रहे हैं, हैविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, आपस में इनका कम्युनिकेशन भी होता है, एंड डिविजन ऑफ लेबर, और डिविजन ऑफ लेबर से मुरादा इनमें काम का तकसीम भी होता है, आर कॉल्ड सोशल एनिमल, इनको हम कहते हैं सोशल एनिमल, एंड द बिहेवियर शोन बाय द सोशल एनिमल इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर, और एनिमल ला सोशल एनिमल जो बिहेवियर शो करेगा उसको हम सोशल बिहेवियर कहेंगे। अच्छा द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोशल बिहेवियर इज इन द हनी बी, बेस्ट एग्जाम्पल सोशल बिहेवियर का हनी बी में, व्हाट इज कॉल्ड सोशल बिहेवियर जरा बताओ, जो एनिमल है उसके साथ लड़ते हैं, सोशल एनिमल, और जो सोशल एनिमल बिहेवियर शो कर उसको हम क्या कहते हैं, सोशल बिहेवियर। बड़ा खतरनाक बिहेवियर है जब दो कुत्ते होते हैं वापस इस तरह घूरते एक दूसरे को, लड़ाई करने की कोशिश करते या बाजू का लड़ भी जाते, ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर। एगोनिस्टिक एग्रेशन से निकला हुआ एगोनिस्टिक, ऐसे बिहेवियर जिसमें दो एनिमल के दरमियान गुस्सा पाया जाए, एक दूसरे को दांत वगैरह दिखाते और बाजू का लड़ाई भी करते, ऐसा नहीं तब वो उसे शिविर स्तर के पर गए या नहीं पर गए, एक दूसरे को आंख को दिखा दे नहीं दिखा दे कॉलेज में मैं ये कर दूंगा आपको ये कर दूंगा, बस कुछ कर भी नहीं सकते, वैसे मुंह पे आप एक दूसरे को बताते हो, इसको कहा जाते हैं एगोनिस्टिक बिहेवियर। कॉलेज में दो स्टूडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं है, झगड़ा नहीं करते, सिर्फ मुंह के एक दूसरे को क्या करते गुस्सा एक दूसरे को करते, इसको हम फिर एगोनिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। बाजू का जो है ना आपके पास एक सिल्वर सिल्वर बैग, एक मंकी आपके पास गोरिल्ला में सिल्वर बैग, वो इस तरह है ना कि ग्रुप में ये रहते हैं, उनको हम ट्रूप्स कहते हैं, और जब बाकी जो मंकीज होते हैं ना वो चाहते हैं कि वो फीमेल के साथ मिले, तो फिर सिल्वर बैग को गुस्सा आ जाता है, वो चाहे वो कहते हैं कि आप क्यों फीमेल के साथ मिलो, फीमेल के साथ मिलने का आपको सिल्वर बैग को होता है, ये कैसा बंदर होता है ना गोरिल्ला के बूढ़ा होता है, इसके ऊपर जो है बैक साइड पे सफेद सफेद बाल होते हैं, और ये बहुत बड़ा भी होता है, और ये इसका कंट्रोल होता है, ये ट्रूप को कंट्रोल करता है, और ये कहते हैं कि फीमेल के साथ मिलना सिर्फ मेरा हक है, ये सिल्वर बैग कहते हैं, अभी जो बाकी मंगीज मिलना चाहे फीमेल के साथ तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, तो ये एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करता है, बाज अवकात इलाक की वजह से भी एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करता है। एक हड्डी आप दो कुत्ते के दरमियान फेंक दो लड़ाई होगी कि नहीं, खुराक की वजह से भी जो है आपके पास क्या होते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, बाजू का इलाक की वजह से भी आप दो एनिमल के दरमियान जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती है, इस तरह ये कितने ज्यादा लोग ही दूसरों को मारते हैं जमीनों के ऊपर, ये एगोनिस्टिक बिहेवियर है ना, दसमा की वजह सुबह से बड़ी की गया टुल्लू सर एगोनिस्टिक बिहेवियर देखा, एगोनिस्टिक मतलब तो चाहता जान खाई हो जब बाजू का तब क्या नहीं हुआ कैसे बताओ कम से बताओ कम, और बाजू का लड़ी वगैरह इधर टुल एगोनिस्टिक बिहेवियर है, मैं तो आपको बताया ना बिहेवियर से मुराद एनिमल जो कुछ करे। अभी जब गुस्सा कर देवा और गुस्से में जो है लोग बाजू का लड़ाई भी आप कर दे तो ये सारे एगोनिस्टिक बिहेवियर है, चरगाह को ना यू बल वही आपने देखा होगा या विकास क्या है एगोनिस्टिक बिहेवियर है, ये फिर दो चौक में दूसरे एक दूसरे को लड़वा दे, ये क्या है आपके पास एगोनिस्टिक बिहेवियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर अच्छा डोमिनेंस हायरार्की क्या है, अब ये बहुत अहम टॉपिक, ये जो हेंस होते हैं ना मुर्गे वगैरह वो एक दूसरे के साथ जब लड़ते हैं ना तो चूंच की मदद से लड़ते हैं, चर्गी उबल से झगड़ भी था हुकूमत सारा झगड़ा पाँव से भी करते ज्यादातर वो चूंच की मदद से करते, फिर वो एक दूसरे को मारते मारते एक जो हैन होते वो अलग जगह पे खड़ा हो जाएंगे, चर्गी ऊपर सारा जंग गई मड़प मोह को बांधे और यू चर्गे में शेर तो उधर ही गया चर्गे देवी दशी अल्फा
هغه زورور وي او نور ورسره بیا جنګ نهشي کولی. بیا لږ ټایم باندې بله چرګم در وځي سیر ته شي، هغه ته ویلی شي بیو ته، هغه د الفا ده خو کم زورور دی، خو نور باندې زورور شي او نور چرګ کله ورسره جګړه وکړي کله ورسره بیا کړي بیا جګړه وکړي بیا کړي. نو د ګونیسټیک بیهیویر په بنیاد باندې موږ سره انیمل ته مو ډفرنټ سټیټس ورکوو، یا الفا یا بیټا، دې ته ویلی شي کامل سیرار. میدر کو بتایا نا بات سنو کہ دیکھ اس طرح یہاں پر پشاور ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ وزیر ہے، وزیر کے نیچے پھر کوئی جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے، کوئی آپ کے پاس ایس پی ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، ڈفرینٹ رہیں گے نا. اس طرح جو مرغے وغیرہ چونچ کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ دے، ایک جو ہے مرغی علیحدہ کھڑی ہو جائے گی اپنے لیے، وہ بہت طاقتور ہوتی ہے، وہ لڑ لڑ کے جو ہے اپنے آپ کو ثابت کر دے دی کہ میری ڈومیننس ڈومیننس ہیرار کے نام سے بدہ ہیرار سے میرا اسٹیٹس اور ڈبل سمرا دے غالبانہ، وہ اپنے آپ کو شو کر دے دی کہ مجھ میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں الفا ہین، الفا ہینا. اور پھر کچھ ٹائم بعد جو دوسری جو ہے نا وہ دوسری ہے وہ بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ہے، وہ الفا سے تو کمزور ہے لیکن باقی سے برابر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتی ہے. تو اس طرح آرگنیزم کا جو ڈفرینٹ رینک ہے ان کا جو اسٹیٹس ہے ایگونسٹک بہیویئر کی بنیاد پر، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اس کو ہم ڈومیننس ہیرارکی کہتے ہیں، ڈومیننس ہیرارکی. اس طرح لوگوں میں مختلف سٹیٹس پائے جاتے ہیں، کوئی ڈی ایس پی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کیا چیز ہے، اس میں ہیرارکی ہے نا. اس طرح اینیمل میں بھی ہیرارکی پایا جاتا ہے، اس کو ہم ڈومیننس ہیرارکی کہتے ہیں، پیکنگ آرڈر کی بنیاد پہ، پیکنگ آرڈر. یہ بات یاد رکھیں، پیکنگ آرڈر. ابھی آپ کو پیکنگ آرڈر کیا ہے؟ پگڑ میں نے آپ کو بتایا چونچ کی مدد سے اس کو مار دے، لڑائی کر دے. چونچ جانتے نہیں ہو جو اس کی مدد سے بولا مہو کی تو دوی نہیں ہاں سر، تو کو مار چلے مہو کا تیرا بھی اور تیز بھی انور چلے زر نہ رہی کھو کی پاسے تو دل عزت کا تو رہے مختار کو بھی دیش یا بس کو مبل چل گیا بیٹ ہے صحیح نہ سن دیا ڈیفرنٹ سٹیٹس دیتا مگر بھی تو ڈامن سے راہ کی ویش الٹوریزم دوسروں کو قربان کرنا اپنے آپ کو دوسرے پہ دوسروں پہ قربان کر رہے اس کو ہم الٹوریزم کہتے ہیں خدا اپنا خود اپنا وقت دینا اپنی انرجی اپنا ٹائم دوسروں کو دینا اس کو کہا جاتا ہے الٹوریزم دا بیہیویئر وچ از فار دا سیک آف دا ادر اس کا الٹوریزم بیہیویئر اور الٹوریسٹک فار ایگزامپل جیسے آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ الٹوریزم شو کرتے ہیں بیسٹ ایگزامپل ہے الٹوریزم کا آپ کو پڑھاتے ہیں آپ کے خواہشیں برداشت کرتے ہیں اس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے پھر بعد میں دونوں کو فائدہ کہ آپ ڈاکٹر بن جاتے ہو آپ کے والد خدا نہ خواستہ اس ٹائم ہوگی بھی آپ کے لیے فائدہ دے رہے ہیں اس کو کیا فائدہ آپ کو جو ہے وہ پڑھا رہے خرچ آپ کے اوپر کروا رہے اس سے کیا فائدہ آپ کو بڑھ کے آپ کے اوپر جو ہے پیسے ضائع کر رہے آپ کو وقت دے رہے آپ کے لیے محنت کر رہے دن رات اس لیے کہتا کہ آپ کامیاب ہو جائے آپ کے فیوچر اچھا ہو جائے یہ تو بیسٹ ایگزامپل ہے ٹوریزم کا اس کا جو ہے والد صاحب وہ باہر قطر میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے پیسے بھیج رہا ہے آپ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہو وہ خود بھوکا رہتا ہے لیکن آپ کو پڑھائی کے لیے پیسے پیدا کرتا ہے یا ٹوریزم بہیویئر کا بیسٹ ایگزامپل ہے وہ خود بھوکا سوتا ہے لیکن آپ کو نہیں سلواتا ہاں ٹائم بھی ہر چیز آپ کو دے دیا ٹوریزم بہیویئر ہے اینیمل میں اینیمل میں اچھا بیسٹ ایگزامپل ہے جو منکیز ہے یہ پانچ چھ سال کے دوسرے جو منکیز ہے اس کے بچوں کو دودھ دیتے ہیں یہ آپ کے پاس بیسٹ ایگزامپل ہے ٹوریزم کا اس کا بیسٹ ایگزامپل یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا ورکر ورکر کو خود بچے پیدا نہیں کر سکتے یہ تو اس کا بریڈنگ تو نہیں کر سکتے لیکن ساری زندگی کوئن کی خدمت میں گزار دیتا ہے کوئن کے لیے صفائی بھی کرتا ہے کوئن کے لیے خوراک بھی لاتا ہے کوئن کی چوکیدار بھی کر دیا کوئن کی ضروریات بھی پورا کرتا ہے ورکر کو خود کیا فائدہ مجھے بتاؤ تم کیا ورکر کو فائدہ ہے ورکر تو اس کی رائے ہے اپنا وقت بھی ضائع کرتا ہے ورکر اپنا ٹائم بھی ضائع کرتا ہے اپنی انرجی بھی ضائع کرتا ہے کس کے لیے کوئن کے لیے اپنے وقت اپنی انرجی اور اپنے آپ کو قربان کر دے کس کے اوپر کوئن کے اوپر الٹوریزم بیہیویئر الٹوریسٹک بیہیویئر ہم کسی کے دیا دوسرے آرگنیزم پہ اپنے آپ کو قربان کرنا دوسرے آرگنیزم کے لیے جو ہے وقت نکالنا اس کو انرجی دینا اس کو ہم الٹوریزم الٹوریسٹک بیہیویئر کہتے ہیں بیسٹ ایگزامپل ہے ٹوریزم بیہیویئر خپل انرجی میں جائے گئے خپل وقت ہر شے تا باندې جائے گئی یہ تو وہ ٹوریسٹ بیہیویئر ہے لگا اس میں سر کلا ہے کہ روانے اور پوچھ والے تسکیا
eu budac să le dau cătă la oa, să rămână pe recai. Da, am best exam, bai de turistic behavior. Usco abdu, jorim, am gândit că jorim, ma jate, logi, am mădat gardeo. Ma jocat, am apne, am hot le medal, eu dus rochele. Isco bia mai turism gente. This is also called tourism. This is also called altruistic behavior. दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए या दूसरे एनिमल्स के लिए अपने आप को खतरे में डालना दिस आर सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट टूरिज्म मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दे दूं लेकिन किताब में भी होगा अल्टोरिस्टिक बिहेवियर इट इज द बिहेवियर इन विच सर्टेन ऑर्गेनिज्म स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन केयरिंग फॉर अदर मेंबर ऑफ द स्पीशीज एक ऐसा बिहेवियर है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया It is a form of social behavior. This social behavior is a card type. In which the organism puts itself whether at risk or personal disadvantage. Apne ha page number 150 ha. Isme organism kya kar deya? Apne aap ko nuksan deete, apne aap ko khatre mein daal deya. Lekin dusre animal ko, dusre organism ko fayda deete ha. Isko hum kehte ha altruistic behavior. Acha. For the good of the other member of the species, in case of activities associated with the mating and parental care, altruism is not so difficult to comprehend, since the action is clearly in the interest of the parents. Also, in species, a female baboon protect and care for its offspring for almost 6 years. A female baboon is a monkey ka ek kisam hai, bandaron ka. 6 saal tak jo hai wo apne bachcho ko care karte, uske parental care karte. आप लोग क्यों अपने वालिदा ने आपकी खिदमत नहीं किया 9 महीने तक आप मां के पेट के अंदर मौजूद है के स्टेशन पीरियड ऊपर से की मर्जी आप खुराक ले दे दे जब पैदा हो गए 2 साल तक आपकी सफाई की अभी तक आपके लिए वो क्यों आप कुर्बान नहीं दे रहे आप यहां पर कार्य में आ देवा सुबह उठ के आपके लिए वो नहीं आओ जाग दिया ये सारा क्या एल्गोरिथम बिहेवियर है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथमिक बिहेवियर And most bird species feed and protect their demanding offspring until they are capable of feeding for themselves. ये जो अंडों से जब बच्चे निकल दे परिंदों के बच्चे इसको दे के खुराक ला के देते थोड़ा थोड़ा चून में खुराक ला के उसको देते जब तक वो खुदा जो है चलने फिरने के काबिल ना हो अच्छा फॉर एग्जाम्पल बर्ड एंड मंकी देयर कॉल आउट वार्निंग अदर वेदर इन डेंजर एंड फीमेल मंकी हु कैरी एंड केयर फॉर द बेबी ऑफ द अदर मंकी अच्छा ये जो ट्रूप्स मंकीज का जो ग्रुप होता है उसको हम ट्रूप्स कह दिया इसमें कुछ जो मंकीज होते हैं ना वो चीखे लगाते हैं आवाजें पैदा करते हैं कि आगे खतरा है अभी ये अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं लेकिन इसको बचा रहे हैं इसलिए आप लोग एक ग्रुप पीपल है आप आगे जा रहे हो ये खतरा आ जाते हैं आप आवाज निकाल दो दूसरों को गया पर ना हो आप खुद अपने आप को खुद खतरे में डाले कि नहीं डाला आप रास्ते में जा रहे हो यार 10 लोग है एक आदमी आवाज निकाल दे कि आप नहीं आ रहा आगे तो उसे दूसरे आदमी को कोई गोली मार है हाँ जो मंकी आवाज निकाल रहे साउंड प्रोड्यूस कर रहे बाकी मंकी वो कह रहा है कि ना हो यहाँ पर उसको ऑपरेटर कहा जाएगा अपने आप को खतरे में डाल रहे लेकिन दूसरों को बचा रहे तो अपने आप को खतरे में डालना और दूसरों को बचाना अपने आप को तकलीफ में डालना और दूसरों को बचाना इसी को हमारे टूरिज्म कह दिया इसी को टूरिस्टिक बिहेवियर कहा जाता है जैसे आपके पास मोबाइल का एक चार्जर है आप छोड़ देते हो अपने दोस्त को देते हो भाई को देते हो एल्टोरिस्टिक बिहेवियर एक लैपटॉप है घर में कोई और नहीं है आप अपने भाई को देते हो बजा इस्तेमाल करो मैं नहीं करते ये क्या एल्टोरिस्टिक बिहेवियर है इसको हम एल्टोरिज्म कह रहे या ब्यूटी बस में आप जा रहे हो और ब्यूटी बस में जगह नहीं है बुजुर्ग आदमी अंदर आ गया आप उठ के उसके लिए खड़े हो जाते हो उसको बिठाते हो ये क्या एल्टोरिज्म बिहेवियर है इसको हम एल्टोरिस्टिक बिहेवियर कहते हैं उसके बावजूद दे स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग लुकिंग आफ्टर देयर ब्रदर एंड सिस्टर अपने ब्रदर अपने खुद बच्चे पैदा नहीं कर सकते लेकिन अपनी बारियों के अपने बहन का ख्याल रखते क्वीन की हिफाजत कर दिया हर की हिफाजत कर दिया अपने आप को मुश्किल में डाल दिया अपना वक्त दूसरों को दे दिया दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अल्टोरिस्टिक बिहेवियर